हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू अकाउंटिंग फॉर ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं अगर आप इस कोर्स पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जाइए अनुजिंदल डॉट इन पर वहाँ पर जाके बाय कोर्सेज पर क्लिक करिए और बाय कोर्सेज़ पर जाके ई का कोर्स में जाके जल्दी से इसे इनरोल कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी में कोई पीछे ना छूटे अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे टोटल दस एम सी यू क्वेश्चन फ्राम अकाउंटिंग तो पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन है इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू डैश ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम मतलब जो लाइबिलिटी होती है एक शेयर होल्डर की वो कितनी अमाउंट की होती है एक कंपनी में जिसके जो शेयर्स हैं वो लिमिटेड हैं मतलब जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड लाइबिलिटी है अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी तो उसकी अमाउंट क्या रहती है मान लीजिए लेट सपोज एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि एक कंपनी है जिसका फेस वैल्यू का शेयर का फेस वैल्यू है टेन रुपीज और अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाई गई है लेट सपोज टू रुपीज ऑन एप्लीकेशन थ्री रुपीज ऑन अलॉटमेंट थ्री रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड टू रुपीज ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल अब जो क्वेश्चन पूछा गया है पहली चीज तो लाइबिलिटी दो टाइप्स की होती है हमारी एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी में फर्क क्या होता है लिमिटेड लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी कि हां भाई जितनी अमाउंट डिसाइडेड है सिर्फ उतनी ही पे करनी पड़ेगी अगर लॉसेज होते हैं या अगर किसी को पे ऑफ करना है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कि हमारे जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी यूटिलाइज हो जाएंगे बिजनेस में पे करने के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी जिसमें ओनर के पर्सनल एसेट्स यूटिलाइज नहीं होते सिर्फ बिजनेस में जो पैसा लगाया वो यूटिलाइज होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ओनर का पर्सनल एसेट्स भी यूटिलाइज होते हैं पे ऑफ करने के लिए तो जो कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी और जो लिमिटेड लाइबिलिटी में अमाउंट होती है मैक्सिमम अमाउंट वो कितनी होती है जितने के ओनर्स ने शेयर्स इशू करे हुए हैं या मतलब जितने के शेयर होल्डर ने अमाउंट खरीदी हुई है तो अमाउंट कितने ही खरीदी होती है जो फेस वैल्यू होता है फेस वैल्यू इन्वेस्टेड करी हुई है तो मतलब जो लाइबिलिटी होगी वो मैक्सिमम कितने की होगी फेस वैल्यू की अमाउंट की होगी कितने की होगी फेस वैल्यू की की अमाउंट होगी तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी फेस वैल्यू ऑफ द शेयर जैसे एग्जांपल ले लो मान लो अगर कंपनी ने ऐसे मंगवा रखा है टू रुपीज एप्लीकेशन थ्री अलॉटमेंट थ्री ऑन फर्स्ट एंड टू रुपीज ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल अभी एक शेयर होल्डर ने सिर्फ लेट सपोज फर्स्ट कॉल तक पे किया है फर्स्ट कॉल तक पे किया है अगर कंपनी डिजॉल्व हो रही है आज किसी कारण से उसको लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है तो शेयर होल्डर तो मना कर देगा कि भाई मैं दो रुपए इन्वेस्ट क्यों करूं यही होगा लेकिन ऐसा होगा नहीं इन शेयर होल्डर को इस टू रुपीज को भी पे करना पड़ेगा जब कंपनी बंद होगी तो टोटल तो कितना नुकसान होगा जितना उन्होंने टोटल पे करा कितने की लाइबिलिटी होगी टोटल जितने की फेस वैल्यू है उस शेयर की तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चले नेक्स्ट क्वेश्चन में तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेयर गिव द राइट टू शेयर होल्डर टू रिसीव द एरियस ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट तो मतलब हुआ क्या है कि जो डिविडेंट रह रहे हैं जब भी कंपनी का प्रॉफिट आता है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो डिविडेंट डिक्लेयर करें अब एरियस इन डिविडेंट का मतलब क्या हुआ मान लीजिए कंपनी को हो गए लॉसेस कंपनी को हो गए लॉसेस और जब लॉसेस हुए तो वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी अब क्वेश्चन होगा मान लीजिए ले है, है. हो और जो कंपनी ने डिविडेंडर नहीं किया किस केस में किस प्रेफरेंस शेयर केस में होगा कि जो शेयर होल्डर्स हैं 2018 एटीन में जब प्रॉफिट होगा तब वो पिछले वाली डिविडेंड की अमाउंट भी मांग सकते हैं कंपनी से क्वेश्चन समझ आया? मतलब वो वो जो पहले पे नहीं हुआ, वो भी future profits में से मांग सकते हैं कि भाई मेरे को टू थाउजेंड का भी डिविडेंट और एटीन का भी डिविडेंट दो साल प्रॉफिट हुआ ठीक है तो वो कौन से होते हैं हमारे क्यूमलेटिव प्रेफरेंस कौन से होते हैं क्यूमु देखो रिडीमेबल जो हम रिडीम कर देते हैं जिनको pay off कर देते हैं 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 कौन से होते हैं? जो meetings participate करते हैं. मतलब जो वगैरह में में करते करते मतलब वो preferences. Cumulative preferences, वो preferences, जिनका डिविडेंड अगर नहीं मिला इस साल लॉस होने के कारण तो अगले साल एकट हो जाएगा अगले साल दिया जाएगा और नॉन क्यूमलेटिव प्रेफरेंस जिनका dividend accumulate नहीं होता इकट्ठा नहीं होता ठीक है नॉन क्यूमुलेटिव वाले में 2018 में जाके वाला भी दो, तो correct option, option हो जाएगा चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में तो next question क्या है वेन अ कंपनी इशू शेयर एट प्रीमियम द अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड बी रिसीव्ड बाई द कंपनी अलोंग एप्लीकेशन मनी अलोंग अलॉटमेंट मनी अलोंग विद मनी या अलोंग विद एनी ऑफ दी क्वेश्चन क्या है जब कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर, कर रही है मतलब फेस वैल्यू से लेट सपोज टेन रुपीज की फेस वैल्यू है और उसने टू रुपीज का प्रीमियम चार्ज किया मतलब ट्वेल्व रुपीज पे इशू कर रही है अब क्वेश्चन क्या है जो ये टू रुपीज है ये कंपनी कब मंगवाएगी एप्लीकेशन मनी के साथ अलॉटमेंट मनी के साथ मनी के साथ कब की। तो ये कंपनी पे डिपेंड करता होता है कि वो उन तीनों में अलॉटमेंट पे भी है, पे भी कभी भी मंगवा सकती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद एनी ऑफ दी अब अब बच्चे गलती अगर जाते हैं हम मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन करते वक्त सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट कहां लेते हैं अलॉटमेंट के टाइम पे बट ऐसी कोई कंपल्शन नहीं होती कंपनी एप्लीकेशन में भी अपना सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट मंगवा सकती है अलॉटमेंट में भी मंगवा सकती है और कॉल मनी so पे भी मंगवा सकती है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी अलॉन्ग एनी ऑफ चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इन अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज रिसिप्ट फ्रॉम द इशुएंस ऑफ डेट इन ऑर्डर टू परचेज अ मैन्युफैक्चरिंग मशीन शुड बी क्लासिफाइड एज कैश इनफ्लो फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो मतलब क्या हो गया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारी तीन एक्टिविटीज होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी फिर उसके बाद हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फिर लास्ट क्या आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया तो बचे कौन से हमारे पास तीन ऑप्शन ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम रिकॉर्ड करते हैं जो ऑपरेटिंग में जो हमारा बिजनेस चल रहा है जैसे अगर मेरे शर्ट मैन्युफैक्चरिंग है तो उससे रिलेटेड जो भी कैश का आना और कैश का जाना हुआ वो कैश फ्लो हमारा सारा कहाँ होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम किसी प्लांट मशीनरी वगैरह खरीद रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं एसेट्स बाय कर रहे हैं फाइनेंसिंग में क्या होता है जहां से फर्म अपना फंड्स को सोर्स करती है जैसे शेयर्स को इशू करना वगैरह अब इस केस में क्या है क्वेश्चन में गिवन क्या है रिसिप्ट ऑफ इशुएंस फ्रॉम डेट तो पहला पॉइंट क्या है इशुएंस फ्रॉम डेट इन ऑर्डर टू परचेज मैन्युफैक्चरिंग मशीन क्वेश्चन में बोला हुआ है कंपनी ने डेट इशू किया मतलब डेट इशू किया मतलब लेट सपोज डि बेंचर इशू या लोन लिया लोन लिया या डि इशू करे तो कंपनी के पास होगा क्या कैश आएगा तो ये क्या हो जाएगा एक कैश का इनफ्लो जब कैश का इनफ्लो होगा हम इसे ऑपरेटिंग में रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टिंग में करेंगे फाइनेंसिंग में करेंगे तो पहली चीज तो हमारा बिजनेस का तो है नहीं तो ये ऑपरेटिंग में तो रिकॉर्ड होगा नहीं बच गया हमारे लिए फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग अब क्वेश्चन देखने से लग तो रहा रहेगी ये इन्वेस्टिंग है क्योंकि लिखा है भाई ऑफ ऑफ मशीनरी मशीनरी लेकिन पर्पस क्या लिखा है हमारा हो क्या रहा है पैसा आने का कारण क्या है क्योंकि हम डेट इशू कर रहे हैं सपोज इशू कर रहे हैं तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं हो जाएगी जब हम उस पैसे को यूज करेंगे खरीदने में वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी इशू ऑफ डेट क्या हो जाएगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ठीक है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी जब इस पैसे को यूटिलाइज करेगी फर्म तब वो कहलाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अभी के लिए वो क्या है जब डेट इशू हो रहा है जब पैसा आ रहा है कैश का इनफ्लो हो रहा है तब वो कहलाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच ऑफ वुड इंप्रूव द करंट रेशियो ऑफ द कंपनी तो हमें पांच कंडीशंस दे रखी हैं हमें बताना है किस केस में हमारी करंट रेशियो इंप्रूव होगी करंट रेशियो होता क्या है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज और इधर में इंप्रूव करने की बात लेट सपोज अब होता क्या देखो आइडल रेशियो क्या होती है हमारी करंट रेशियो टू रेशियो वन जनरली जो एक्सेप्टेड होती है इन बुक्स जनरल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में तो आइडल किस बेसिस पे डिपेंड करता होता है इंडस्ट्री के बेसिस पे अगर हमारी करंट रेशियो कम है तो इसका मतलब हमारे हमारे करंट एसेट्स कम है करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा यही करना पड़ेगा तो करंट रेशियो को जब हम बढ़ाते हैं इंक्रीज करते हैं तो वो हमारी इंप्रूव्ड मानी जाती है जनरल सेंस में देखो हर बार नहीं होता देखो प्रैक्टिकल में क्या होता है अगर करंट रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो भी नुकसानदान है नुकसानदेह के बिजनेस के लिए क्यों करंट रेशियो ज्यादा इसका मतलब क्या हुआ कंपनी के पास करंट एसेट ज्यादा है करंट लाइबिलिटीज कम है उसने अपने एसेट्स को सही से यूटिलाइज नहीं किया हुआ तो जो जनरल सेंस में प्रैक्टिकल सेंस में क्या होना चाहिए कि करंट रेशियो बीच में मेंटेन रहनी चाहिए बट इस क्वेश्चन के पर्पज से हम ध्यान रखेंगे कि जब बोला जाए इंप्रूव करनी है करंट रेशियो तो हम क्या जनरल अभी सेंस मान रहे हैं कि हमें करंट रेशियो को इंक्रीज करना है अगर लेट सपोज करंट रेशियो हमारी अभी है वन रेशियो वन तो हमें इंप्रूव करके टू रेशियो वन करनी है या थ्री रेशियो वन करनी है ठीक है अब हमें चेक करना है कि कैसे कैसे इन पांचों में से किस केस में हमारी करंट रेशियो इंप्रूव हो रही है लेट सपोज हमारे करंट एसेट से ये ले लेते हैं हमारी करंट रेशियो थी 1.5 और लेट सपोज ले लेते हैं हमारे करंट एसेट से फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज और करंट लाइबिलिटीज थी टेन थाउजेंड रुपीज जिससे हमारी करंट रेशियो आई थी वन अब हमें चेक करना है कि इन पांचों में से किस केस में वो इंप्रूव होगी या किस केस में वो बढ़ेगी

और लाइबिलिटीज भी फाइव थाउजेंड की कम हो जाएंगी तो करंट लाइबिलिटीज भी रिड्यूस हो जाएंगी फाइव थाउजेंड की तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा टू मतलब करंट रेशियो हमारी वन पॉइंट फाइव से क्या हो गई टू मतलब इस केस में तो इम्प्रूव हो गई मतलब ये करेक्ट आंसर हो गया एक बार बाकी भी ऑप्शन चेक करेंगे कहीं ये तो नहीं कि भाई ए और बी या फिर ऑल अबव लिखा हो तो अगला ऑप्शन क्या है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड पहली चीज इधर गिवन क्या है कि कंपनी डिक्लेयर कर रही है तो डिक्लेयर करने में तो ना करंट एसेट डिक्रीज होता है ना इंक्रीज होता है क्यों अभी सिर्फ कंपनी ने बोला है कि हम आपको फाइनल डिविडेंड देंगे पे नहीं किया तो ये तो वैसे ही नहीं हुआ नेक्स्ट क्या है इश्यू ऑफ बोनर शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट तो ये हमारा ना करंट एसेट्स को चेंज करेगा ना करंट लाइबिलिटीज को चेंज करेगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाला पॉइंट है तो ये भी गलत हो गया बिल्स पेबल एक्सेप्टेड फॉर थ्री मंथ्स बिल्स पेबल जो एक्सेप्ट कर लिया गया फॉर थ्री मंथ्स करंट एसेट्स कोई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बिल्स से हमारी करंट लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी करंट कितने से बढ़ जाएगीउजेंड तो हो गया डिक्रीज तो कर रहा है हमें क्या करना है इंप्रूव करना है बढ़ाना है तो ये भी गलत हो गया नेक्स्ट क्या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश मतलब इक्विटी शेयर को इशू किया ताकि हम प्रेफरेंस शेयर्स को पे कर सकें अब ये हमारा क्या हो गया कैपिटल इक्विटी रहा है इक्विटी शेयर से पैसा लिया नहीं आया लॉन्ग टर्म इक्विटी में चेंज आया होगा हमारा शेयर कैपिटल में तो ये भी हमारा कुछ चेंज नहीं करेगा तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स इन क्रेडिटर्स ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन में तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स प्राइड लिमिटेड हैज अ प्रॉफिट नाइंटी थाउजेंडियन सेवेंटी थाउजेंड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी तो हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है, so, है तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते वक्त हम करते क्या थे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर उसमें हम नॉन कैश एक्सपेंसिस को ऐड करते थे फिर नॉन कैश एक्सपेंसिस नॉन कैश इनकम्स को डिक्रीज करते थे फिर उसके साथ साथ हम प्लस क्या करते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को भी लेस कर देते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेक्स कर देते थे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस को एड कर देते थे फिर उसके बाद क्या करते थे चेंज इन करंट लाइबिलिटीज देखते थे ये तो हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का लेकिन इसको सॉल्व करने का एक ईजी वे देखो एमसी की क्वेश्चन है कितनी तो जल्दी सॉल्व करके दिखाऊंगा इजी वे में कैसे करना हो तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना नेट प्रॉफिट हमें पता सबसे पहले गया है? 90, रुपीज. 90, रुपीज. क्या होता है एक नॉन नॉन एसेट एसेट को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे तो ये हो गया वन हंड्रेड सेवन थाउजेंड रुपीज अब अगली बात क्या रखी है डिक्रीज ऑफ डेटर्स डेटर्स क्या होते हैं हमारे करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं मतलब क्या डेटर्स कौन होते हैं जिनसे पैसा लेना है जिनसे पैसा लेना मतलब पहले अगर लेट सपोज वन लाख रुपीज के डेटर्स थे मतलब हमें लाख किसी पर्सन से लेने हैं अब वो डिक्रीज हो गए डिक्रीज हो गए एट्टी थाउजेंड हो गए लेट सपोज मतलब उन्होंने क्या करा ट्वेंटी थाउजेंड हमें पे कर दिया होगा जब ट्वेंटी थाउजेंड पे करेंगे तो हमारे पास कैश का क्या होगा इनफ्लो होगा कितने का कैश का इनफ्लो होगा ट्वेंटी थाउजेंड का हम करते थे ना कि भाई डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करो तो 1, 27, हमारा क्या हो जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वन लैख टी सेवन क्वेश्चन में चले विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन दंक्शन ऑफ अकाउंटिंग हमें फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग बताने हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स हाँ भाई इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हम अपने सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उधर प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिजनेस ये बिल्कुल गलत है कहीं हम अकाउंटिंग करते वक्त प्रॉपर्टीज का प्रोटेक्शन का करते हैं बस उसे रिकॉर्ड करते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं इंश्योरेंस वगैरह थोड़ा देते हैं मतलब अगर मैं अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन बाई की एंट्री डाल रहा हूँ तो कहीं प्रोटेक्शन थोड़ा हो रही है सेल्फ रिकॉर्डिंग हो रही है फिर असर्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये तो सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट रीजन है कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं क्योंकि हमें पता करना होता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है एंड मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट क्या है भाई अकाउंटिंग क्यों करेंगे अगर अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो टैक्स अथॉरिटीज आके तंग करेंगी भाई अपनी बुक्स दिखाओ अगर हम बुक्स को मेंटेन नहीं रखेंगे गवर्नमेंट आके तंग करेगी तो हमें लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करना होता है इसलिए हमें अकाउंटिंग भी करनी पड़ती है तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हो गए वन थ्री और फोर वन थ्री और फोर कहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी वन थ्री एंड फोर आर करेक्ट टू इज रॉन्ग ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है वो खर्चा वो एक्सपेंस कंपनी का जिसको कंपनी अपने एसेट्स में शो करती है कि भाई ये वाला एक्सपेंस मेरा लॉन्ग टर्म में मेरे को बेनिफिट देने वाला है इसे मैं धीरे धीरे राइट ऑफ करूंगी अभी एक साथ अपने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा रही वो होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर

तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है एक न्यूमेरिकल है स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखी है सिक्स टाइम्स एवरेज स्टॉक दे रखा है हमारे को एट थाउजेंड रुपीज फिर सेलिंग प्राइस दे रखा है ट्वेंटी फाइव परसेंट अब कॉस्ट वट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाले देखो पहले तो इन्फॉर्मेशन जो हमें देखिए हमें उसे यूज करना है तो स्टॉक टर्न रेशियो दे रखा है स्टॉक टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जो हमारा स्टॉक रेशियो रहेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर्मूला होता है तो स्टॉक टर्न ओवर रेशियो है सिक्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें नहीं पता एवरेज स्टॉक हमें दे रखा है एट थाउजेंड रुपीज तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ जाएगा एट सिक्स थाउजेंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास फोर्टी एट थाउजेंड है सेलिंग प्राइस बोल रखा है ट्वेंटी फाइव परसेंट अब कॉस्ट मतलब अगर कोई चीज़ सौ रुपये की है हम उस पर पच्चीस रुपये कमा रहे हैं उसे एक सौ पच्चीस रुपये में बेच रहे हैं तो मतलब कमा कितना रहे हैं कॉस्ट के ऊपर पच्चीस परसेंट तो कॉस्ट कितनी है गुड सोल्ड की फोर्टी एट थाउजेंड फोर्टी एट थाउजेंड का ट्वेंटी फाइव परसेंट ही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट हो गया तो ट्वेंटी फाइव परसेंट हो जाएगा हमारा ये ट्वेल्व थाउजेंड तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टूपीज ठीक है हमें क्या करना है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसे यूटिलाइज करना करना स्टार्ट है है अब ऐसे डायरेक्ट देखेंगे तो हमें पता नहीं चल रहा स्टॉक दे रखी है, क्या, दे क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा जिस चीज को हम कंक्लूड कर सकते हैं जिस चीज को कर सकते हैं उसे हमें पेपर में स्टार्ट कर देना है सॉल्व करना हमारे पास अपने आप आंसर सामने आना शुरू हो जाएगा जब ऐसे रेशियोज वाले क्वेश्चन आते हैं तो चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का

लेट सपोज लाख की मैक्सिमम परमिशन मिली हुई है कि भाई इससे ज्यादा ज्यादा तुम इससे रुपीज के आप शेयर इशू नहीं कर सकते मार्केट में ये होता है ऑथोराइज कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल मतलब कंपनी की मर्जी है या तो पूरे पांच लाख के शेयर इशू कर दे या उससे कम के कर दे तो मतलब जितने की वो मार्केट में उतारती है ये तो कंपनी है तो पापा ने दे दी भाई ला तेरे को दस हजार खर, खर्चा करने के लिए अलाउड है अब वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम कितना खर्चा करना चाहते हो ऐसी ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी को अलाउड है अब अमाउंट क्या होगी या तो इससे कम होगी या इसके बराबर होगी तो इश्यूड कैपिटल हमारी कुछ भी हो सकती है फाइव लाख भी हो सकती है या सॉरी <coughs> उससे अगली हमारी क्या आती है सब्सक्राइब कैपिटल मान लीजिए कंपनी ने कहा कि हमें पांच लाख पांच लाख रुपीज के शेयर बेचने हैं अब खरीदने के लिए कितने लोग आए वो होती है हमारी

कंपनी ने अपने शेयर्स निकाले कि हमें चार, तीन लाख रुपए के शेयर्स इशू करने हैं। हैं अब तीन चीजें हो सकती कि लोगों ने डिमांड कर दी सिर्फ दो लाख रुपए के शेयर्स की या तो तीन लाख के तीन लाख की डिमांड हो गई और मान लो या तो, तो चार लाख की डिमांड हो गई ये है कैसा देखो लेट सपोज तुम तीन लाख सब्ज फ्रूट्स बेचने निकले मार्केट में डिमांड कम थी तो टू लाख रुपीज की टू लाख फ्रूट्स की डिमांड थी यहाँ पे या तो बराबर डिमांड थी तो थ्री लाख की डिमांड थी या तो फोर लाख की मतलब ज्यादा डिमांड थी तो ये वाले केस को हम क्या कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन की डिमांड कम है ये हो गया इक्वल सब्सक्रिप्शन ये नॉर्मल सब्सक्रिप्शन और फोर लाख वाला हो जाता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन ठीक है हमें बोला हुआ अंडर सब्सक्रिप्शन का इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन कैपिटल जो हमारी कैपिटल हमारे विल बी लेस देन द दब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या इश्यूड कैपिटल हमारी सब्सक्राइब कैपिटल से कम होती है अरे भैया नहीं सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम होती है इश्यूड कैपिटल से तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल लेस कॉल इन एरियर्स तो ये बात बिल्कुल सही दे रखी है देखो पेड अप कैपिटल क्या होती है पेड अप कैपिटल क्या होती है कि जितने शेयर होल्डर्स ने पे कर दिए और पे कितनी हो गया भाई जितने मेरी कंपनी ने मंगवाए थे माइनस जितने हमने नहीं पे करे लेट सपोज मैं शेयर होल्डर हूँ तो पेड अप कैपिटल क्या होगी लेट सपोज कंपनी ने आठ दस रुपए मंगवा रखे हैं और मैंने अब तक दो रुपए पे नहीं करे हैं तो पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगी एट रुपीज ठीक है तो पेड अप कैपिटल क्या इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल लेस कॉल इन तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा वन एंड थ्री मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर वन एंड थ्री ठीक है दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय बाय टेक केयर सी यू सुन